हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप YouTube आर्बिट्रेज किस तरह से कर सकते हैं। गाइस, आज तक मैंने आपको बताया है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह से आर्बिट्रेज कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट से अर्निंग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक यूट्यूब का आइडिया देने वाला हूँ एंड डेफिनेटली ये आइडिया काम करेगा और इससे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग भी करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ, बल्कि आपको लाइव प्रूफ भी दूंगा। सो आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को पूरा देख लेना है और अगर आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अपनी एक वीडियो दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वीडियो के ऊपर तकरीबन 43K इम्प्रेशन आया हुआ है और यहाँ पे जो व्यूज़ आए हैं वो यहाँ आपके सामने हैं। इम्प्रेशन जो आप देख रहे हैं क्लिक थ्रू रेट का, वो ये है। और इसके बाद जो ट्रैफिक आई हुई है वो सारी ट्रैफिक यहाँ पे देख सकते हैं 79 यानी 80% कह सकते हैं, 80% वो जो है वो यूट्यूब सर्च से आई है, ठीक है। उसके बाद अदर यूट्यूब फीचर है, ब्राउज फीचर है, डायरेक्ट एंड अननोन है। अब डायरेक्ट एंड अननोन कहाँ से आते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। और यहाँ पे भी आपको सारा जो इम्प्रेशन का वो है सीन, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब गाइस, यहाँ पे ये सीन क्या है मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। अब जो मेरी वीडियो है वो है फ्री RDP के ऊपर, बट आपने फ्री RDP के ऊपर नहीं बनानी। मैं आपको जो आइडिया दे रहा हूँ आपने उसके ऊपर वर्क करना है और सेम टू सेम आपने उसी को लेके चलना है। आपने वीडियो किसके ऊपर बनानी है उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आपकी ट्रैफिक डायरेक्ट से आ रही है तो फिर आपको कोई भी यहाँ पे RPM नहीं बढ़ने वाला, आपका CPC नहीं बढ़ने वाला और फिर आपको अर्निंग भी नहीं होने वाली, चाहे जितने व्यूज़ भी आ जाए। हाँ, अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है सर्च से तो फिर आपको जो है वो ट्रैफिक जो आपको अर्निंग है वो डबल ट्रिपल होगी। अब मैं आपको एज अ कंपेयर बता देता हूँ, अगर आपकी डायरेक्ट से $1 बन रहा है, वही सर्च से आपके जो आएंगे व्यूअर्स वहाँ पे आपको $10 $15 भी मिल सकते हैं। जी हाँ गाइस, इस चीज़ को आपने समझना है। अब ये तो हो गया कि आपकी ट्रैफिक किस तरह से आएगी। अब जो मैं आपको मेथड बताऊंगा ट्रैफिक आर्बिट्रेज का, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्च से किस तरह से ट्रैफिक लेके आनी है, ठीक है। ट्रैफिक आर्बिट्रेज भी होगी, लेकिन जो ट्रैफिक आएगी वो सर्च से आएगी, वो डायरेक्ट से नहीं आएगी। वो भी एक टेक्निक है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि आपने काम किस तरह से करना है। उसके लिए आपको गाइस करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको चले आना है इस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है कॉइन पे। अब कॉइन पे के ऊपर आपको दो किस्म की यहाँ पे जो है वो आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप फ्री में भी कर सकते हैं, पेड में भी कर सकते हैं, ठीक है। पेड के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे परचेज बैलेंस के अंदर यहाँ पे स्तोशीज जो है वो बाय करने होंगे और ये इतने महंगे नहीं मिलते, आप इनको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन यहाँ पे आप जो है वो यहाँ से अर्न भी कर सकते हैं। वो कैसे अर्न करेंगे, उसके लिए आपने सर्फ एड्स के ऊपर क्लिक करना है और यह सर्फ एड्स के ऊपर आ जाना है। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे गाइस, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये एड्स आपने देखने हैं। तो इनकी जी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 सेकंड लिखा हुआ है, अगर आप 60 सेकंड तक इस एड को देखेंगे तो आपको 7.5 स्तोशीज जो है वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। इसी तरह सबको देख के आप स्तोशीज अर्न कर सकते हैं। ऐसे विंडो का जो है वो एड्स है, उसके बाद आर्टिकल का है। अब जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आर्बिट्रेज के लिए सिंपली क्या करना है, आपने एडवर्टाइजर के ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू एड्स के ऊपर क्लिक करना है। अब ऑब्वियसली जब हम यूट्यूब का करने वाले हैं तो उसके लिए हमने सिर्फ एड्स को ही रखना है, यहाँ पे ये आपका डिफॉल्ट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी दे देना है नाम इसको, उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस ये आपको जो है वो ले जाएगा एक सेकंड पेज के ऊपर, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसके ऑप्शन के ऊपर गाइस यहाँ पे आपको URL का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। यहीं से हमारी टेक्निक शुरू होती है कि हमने डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं लेके जानी, हमने सर्च से लेके जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, उसके बाद आपने क्लिक से यहाँ पे लेने हैं, आपने 2000 ही कर लेने हैं। उसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। ये ऐसा कि यहाँ पे आपने 10 सेकंड इनफ है गाइस, कोई भी जाएगा वो आपकी वीडियो को 10 सेकंड तक देखेगा, वो ज़्यादा भी देख सकते हैं, उसके बाद वो एड्स को जो है वो कट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज टारगेटिंग आ रहा है, आप इसको भी कर सकते हैं, डिवाइस को भी टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक फिल्टरिंग है, इसको आपने जो है वो देख लेना है, ठीक है। अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है वो ट्रैफिक आपको मिलनी चाहिए। आप जो है वो प्रीमियम कंट्री से ले सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा सोर्सेज काटोगे, लेकिन
जो ट्रैफिक आएगी, जैसे कि अगर यूके से आप लेंगे तो उसके ऊपर आपको अच्छी ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। एड्स रीरन का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, आप इसको भी ओपन कर सकते हैं कि कितने दिन बाद ये जो है वो रीरन होना चाहिए। आपने इसको एक्सक्लूड कर देना है, जो VPN विजिटर होंगे तो आपने इसको एक्सक्लूड कर देना है, चेक कर देना है। उसके बाद सोशल नेटवर्क लिंक देखने को मिल रहा है, डेली लिमिट देखने को मिल रही है। उसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस के अंदर ये स्तोशीज आ रहे हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो कि मैंने पेड लिए हुए हैं। और यहाँ पे जो मेरे टोटल यहाँ पे कट होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,800 स्तोशीज हैं, और CPC मुझे यहाँ पर स्तोशीज के ऊपर ये देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे हमने काम क्या करना है और किस वीडियो के ऊपर हमें जो है वो अच्छा खासा अर्निंग होगी। सबसे पहले गाइज, आपने जो वीडियो बनानी है वो बिटकॉइन के ऊपर बनानी है। बिटकॉइन होगी, इंश्योरेंस होगी, इन सभी के ऊपर आपने वीडियोस बनानी है जो आपने यूट्यूब की बनानी है, ठीक है। ऐसी वीडियोस आपने बना के उसको अपलोड करना है। ये वीडियो कैसे बनेगी, किस तरह से बनाते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। और साथ में आपने अब लिंक कैसे लेना है, लेट्स सपोज मेरी ये जो वीडियो है इसको मैं जो है वो यहाँ पे चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका लिंक कॉपी करूँगा यहाँ से। अब गाइस यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है, अगर यहाँ पे इसका लिंक कॉपी करके मैं जाता हूँ तो विजिटर आएगा डायरेक्ट इसी लिंक के ऊपर आएगा और वो वीडियो ओपन करेगा, तो ये जो है वो डायरेक्ट जो ट्रैफिक है वो कहलाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने एक ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है फायरफॉक्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो का जो लिंक है वो कॉपी करना है, ठीक है, बल्कि सॉरी आपका जो टाइटल है वीडियो का आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है फायरफॉक्स ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ सर्च के ऑप्शन के अंदर आपने अपने उस टाइटल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सर्च। सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड नंबर के ऊपर मेरी वीडियो आ रही है। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका जो लिंक है वो यहाँ से आपने कॉपी करना है। इसको जैसे आप कॉपी करेंगे, अब ये जो आपकी ट्रैफिक जाएगी वो सर्च से ही जाएगी, गूगल से जाएगी। वो कैसे जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम अपने मेन पेज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे लिंक के ऑप्शन के अंदर लिंक को पेस्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कितना बड़ा लिंक यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। जो हमारा वो आता है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ से डायरेक्ट मैं लिंक कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो इस लिंक को देखें और उसके बाद इस लिंक को देखें, तो ये जो है वो सर्च वाला है। यहाँ पे सोर्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो इस लिंक से जो भी जाएगा वो सर्च से क्या लाएगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो सर्च से काउंट होगा। तो इस तरह से गाइस आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो के ऊपर ट्रैफिक आर्बिट्रेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेक।